Good morning, all of you. एनिमल फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में आपका थर्ड यूनिट है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स के बारे में। तो नाउ हम कार्बोहाइड्रेट्स पे आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की हम संरचना पढ़ेंगे, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंड देन हम उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि बायोलॉजी में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और फिर उसके बाद इस वाले चैप्टर में हमारे सारे साइकिल्स आ जाती है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल। तो उनको हम इंटरेस्टिंग वे से यहाँ पर देखें। सबसे पहले अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, राइट, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एक प्रकार की हम बोलते शर्करा है, शुगर, राइट, और मिलती किससे बन गई है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, इनसे ही मिलकर बनती है ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसलिए हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। जो कि हम बोल सकते हैं कि ये शुगर कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, शर्कराएं हैं विभिन्न प्रकार की जो कि इसमें उपस्थित। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं ये शर्करा है, शुगर है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है वो हमें इन्हीं से मिलती है, तो हम बोलेंगे कि हाई एनर्जी, जब भी हम सबसे ज्यादा थक जाते हैं हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ग्लूकोज वाटर में सल्यूबल करके पी, वो क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ शुगर, शुगर का ही प्रकार है, तो उसको लेते ही हमें जल्दी एनर्जी मिल जाती है, इसे हाई एनर्जी यील्डिंग होते हैं, बहुत ज्यादा ऊर्जा को ये उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें तो कई जगह पर बताया गया है कि इसके अंदर H और O जो है उसका अनुपात वाटर के समान होता है, जल के समान होता है, that means 2:1, कि हम वाटर को लिखेंगे तो H2O लिखते हैं, ठीक, तो यहाँ पर वाटर के समान उसका अनुपात रहता है, रेशियो जो है वो H और O का 2:1 रहता है। लेकिन इस चीज को कई जगह पर फेल भी किया गया है कि जैसे हम मानते हैं ये हमारा है फॉर्मल्डिहाइड, राइट, और हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की, इन दोनों जगह हमें देखने को मिल रहा है कि H और O का अनुपात 2:1 है, ठीक है, 2H1O, यहां पर 4H2O, तो वही हो गया 2:1, ठीक है, अनुपात है, रेशियो 2:1 है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इनको शुगर्स नहीं कहते, ना ही हम इन्हें कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में रखते। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक एसिड इनकी कैटेगरी में नहीं आते, मतलब हम हर टाइम के लिए इस फॉर्मूला को सही प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हम दूसरे एग्जाम्पल्स लें, अगर C5H10O4 C6H12O5, ठीक है, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रैमिनोज वाली शुगर्स हैं, तो इनके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर H और O का अनुपात 2:1 है, ठीक है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 5 होता तो 2:1 अनुपात हो जाता, रेशियो हो जाता, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह पे हमें अनुपात डिफरेंट लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये शुगर्स है, ये नहीं कह सकते हम कि ये शर्कराए नहीं, इसका मतलब साफ साफ हुआ कि ये वाला जो रेशियो है ये हर जगह पर लागू नहीं होगा, कुछ कुछ जगह पर हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में इसका रेशियो इस प्रकार से रहता है। अब हम बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन प्रकार के हो सकते हैं, जिनके अंदर हम बोल सकते हैं इस तरह से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रकार के भी हो सकते हैं, और एसीटोन या फिर हम बोल सकते हैं कीटोन, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्रकार के भी हो सकते हैं। दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हमें देखने को मिलेंगे, हम जब स्ट्रक्चर्स देखेंगे, संरचनाएं देखेंगे, तब हमें और आसानी से ये चीजें पता चल, तो मतलब वहां पर कीटोन ग्रुप भी हो सकता है कहीं पर और एल्डिहाइड ग्रुप भी,
प्रेजेंट हो सकता है, तो उसके बेसिस पर, उसके आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट्स को इस तरह से कैटेगराइज कर देते हैं, कुछ कीटोन्स हैं और कुछ एल्डिहाइड्स प्रकार के हैं। ठीक है, तो ये तो जनरल संरचना है, किस प्रकार कार्बोहाइड्रेट्स हमारे उपस्थित होते हैं और कैसे स्ट्रक्चर्स उनमें पाए जाते हैं। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स को हम थ्री कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। ठीक, किसके बेसिस पर, उनके अंदर कितने सब यूनिट्स अटैच्ड है उसके बेसिस पर हम उन्हें मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के। ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ कि मोनोसैकेराइड्स हैं, इसका अर्थ हुआ कि यहां पर एक ही यूनिट जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, एक ही यूनिट यहां पर प्रेजेंट रहेगी शुगर। ऑलिगोसैकेराइड्स में 2 से 10 यूनिट्स शुगर की प्रेजेंट रह सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर डाइसैकेराइड्स भी आएंगे जिनके अंदर 2 सब यूनिट्स होते हैं, ट्राइसैकेराइड्स भी आएंगे जिनके अंदर 3 होते हैं, ऐसे 10 तक आए। और 10 से ज्यादा या 10 जिनके अंदर शुगर्स उपस्थित होंगे उन्हें हम पॉलीसैकेराइड्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स में हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे एक ही सब यूनिट उपस्थित है, लेकिन उस सब यूनिट के अंदर, सब यूनिट की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी विभिन्न कार्बन परमाणु जो होते हैं, कार्बन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, तो उसके आधार पर फर्दर ऑन हम इसे और कैटेगराइज करें। तो सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स की बात करेंगे, यहाँ पर एक सब यूनिट उपस्थित रहता है। जब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला इस प्रकार से मिल सकता है, CnH2O। ठीक है, अब हम इसे क्योंकि कार्बन बेसिस पर, कार्बन मॉलिक्यूल के बेसिस पर कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायोज। ट्रायोज का मतलब ही क्या हुआ कि यहां पर ट्राई मतलब 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने चाहिए। इसके 2 एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे सबसे पहले हमारा आता है ग्लिसरेल्डिहाइड और एक आता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ग्लिसरेल्डिहाइड का संरचना देखते हैं, नाम से ही पता चल रहा है एल्डिहाइड है, इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड कैटेगरी की।
ट्रायोज के बाद क्या आएगा, टेट्रोज ही आएगा, जिसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर फोर कार्बन मॉलिक्यूल्स एक शुगर में उपस्थित रहेंगे, टेट्रा मीन्स फोर, ठीक है। अब इनकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसमें आएगा एरिथ्रोज एंड थ्रियोज। अब इनकी संरचना देखेंगे तो हमें दोनों की संरचना ऑलमोस्ट समान चीजें दिखेंगी। जैसे एरिथ्रोज की बात करते हैं जिसी प्रकार
कितने कार्बन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 फाइव कार्बन हो गए। ऐसे ही सेम संरचना हम यहाँ लेंगे डीऑक्सीराइबोस की हैबर्ट फॉर्मूला से, हम कहते हैं ठीक है, जिसमें सर्कुलर फॉर्म में फॉर्मूला को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये कहलाता है हैबर्ट फॉर्मूला। ठीक है, इस प्रकार से उपस्थित है, यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, यहाँ नीचे की तरफ हो जाएगा H OH H OH H, और यहाँ पर H OH। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने इसे डीऑक्सीराइबोस बोला है तो यहाँ से हम O को रिमूव कर देते हैं और H की संरचना यहाँ उपस्थित होती है। तो इस तरह से यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है। तो इस तरह की संरचना है, और कई बार हम इस संरचना को याद करने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ OH की जो पोजिशन है उसको हम याद करते हैं। ठीक है, कि नीचे की तरफ OH दोनों जगह पे है और यहाँ पर दोनों जगह ऊपर की तरफ है, तो इस तरह से हम संरचना को सिर्फ OH की उपस्थिति को देखकर भी याद कर सकते हैं, नहीं तो हम दोनों अगर देखते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ क्या प्लेस करना। तो इस बेसिस पर हमें इन दोनों की संरचना देख ली, OH देख लिया कहाँ है, तो उस हिसाब से हमें वो चीजें मेमोराइज हो जाती है, याद रह जाती है। ठीक है, तो ये है राइबोस की संरचना, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कार्बन जा रहा है और सेकेंड में OH उपस्थित है, यहाँ पर O उपस्थित नहीं है, ऐसे ही सेम रहेगा 1, 2, 3, 4, 5। तो ये चीज याद रखना कि हमेशा सेकेंड कार्बन जो है वहां पर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। दोनों फॉर्मूला हो गए स्ट्रेट और हैबर्ट, स्ट्रेट चेन, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन फॉर्मूला, चेन ग्रुप में ऊपर सीधा स्ट्रेट है, और इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फॉर्मूला जो कि हैबर्ट फॉर्मूला के नाम से जाना। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पेंटोज की, बाद सिक्स कार्बन कंपाउंड की, जो कि हमारा आता है हेक्सोस। ठीक है, हेक्सोस के नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर हेक्स मींस सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स उपस्थित रहेंगे। ठीक है, अब हेक्सोस के तीन एग्जांपल्स हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज को देखते हैं, फिर बाद में फ्रक्टोज की संरचना को देखते हैं। इन दोनों को याद करने का एक और तरीका,
जब हम सिर्फ OH की बात करेंगे तो हम ये देखते हैं कि OH ऐसे जाके यू आता है ग्लूकोज, ठीक है। ऊपर का तो हमें याद रहता है एल्डिहाइड ग्रुप है, नीचे का हमें याद रहता है CH2OH आना ही है लास्ट कार्बन। तो इसका संरचना इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर हम अगर OH की संरचना देखते हैं तो हमें थोड़ी टेस्ट फॉर्म में बिल्कुल कर्व दिखता है, यहाँ पर हमें घूम जाता है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं ग्लूकोज में अंदर की तरफ घूम जाता है, तो OH के बेसिस पर हमने याद किया, यहाँ पर बिल्कुल खिंचावा रहता है, ठीक है। तो OH के बेसिस पर यहाँ संरचना को हम याद कर सकते हैं, फोर्थ कार्बन में चेंज होगा, ठीक है, दोनों के ऊपर। अब इनकी है ये तो स्ट्रेट चेन संरचना है, हैवर्ड संरचना भी एक बार हम देख लेते हैं कि हैवर्ड संरचना में क्या होता है। यहां से फर्स्ट कार्बन स्टार्ट होता है और इस तरह से सिक्स नंबर तक चलता। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ हमें ये चीज देखने को मिलती है वो ये है कि OH यहाँ नीचे रहता है दोनों जगह, यहाँ पर अंदर की तरफ रहता है और यहाँ पर वापस अगेन नीचे की तरफ OH उपस्थित। तो इस तरह ग्लूकोज की संरचना हम देखते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम गैलेक्टोज की बात करते हैं तो गैलेक्टोज की संरचना में भी एक जगह पर चेंज दिखेगा, बाकी सभी सेम। देख लेते हैं कहां चेंज दिखता है, CH2OH। वैसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब हमने पहले ही देख लिया था कि फोर्थ कार्बन में चेंज है, बाकी सब कुछ एक जैसा है। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है, सिक्स पे सेम है, फर्स्ट पे OH नीचे है, सेकंड पे भी OH हमारा जो है यहाँ पर नीचे है, ठीक है। थर्ड पे OH अंदर है और फोर्थ पे हम देख रहे हैं OH वहां पे ऊपर की तरफ है और यहाँ पर नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ कार्बन में हमें चेंज देखने को मिला, बाकी सब संरचना ग्लूकोज और गैलेक्टोज की एकदम सेम सी है, बिल्कुल सेम संरचना उपस्थित। तो ये ग्लूकोज गैलेक्टोज की बात। अब हम बात कर लेंगे फ्रक्टोज की, हेक्सोज में ही तीसरा एग्जांपल, इसके आधार पर हम आसानी से चीजों को और समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये संरचनाएं हमें एक बार ध्यान में होनी चाहिए कि किस तरह ये संरचनाएं उपस्थित रहती है। अब फ्रक्टोज की बात करेंगे तो हम यहां पर देखते हैं कि सिक्स कार्बन ही है ये भी, लेकिन इसमें हल्का सा चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पे ऊपर की तरफ एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता, इस तरह की संरचना यहाँ उपस्थित होती है, वही सिक्स कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो सेकेंड कार्बन पे हमें कीटोन संरचना देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये किस प्रकार का हुआ, कीटोन प्रकार का, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्रकार। बाकी दोनों कौन से थे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रकार। अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम प्रकार की संरचना उपस्थित रहती है और यहां पर OH इस तरह से उपस्थित है, ठीक है, याद रहेगा।
इसमें ऐसी संरचना OH की देखने को मिली, बाकी ऊपर की संरचनाएं हमें याद रह जाए। अब इसका हम स्ट्रेट चेन के बाद हेवर्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें है ये 6 कार्बन कंपाउंड, लेकिन शुगर जो मॉलिक्यूल होता है वो 5 कार्बन वाला हमें देखने को मिलता। जैसा कि हमने राइबोस में शुगर मॉलिक्यूल देखा था, वैसा कुछ शुगर मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा। हम OH के आधार पर से याद कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की फ्रक्टोज की संरचना देखने को मिल जाती है। राइट, याद रहेगा कि OH सेकेंड कार्बन, यहाँ पर जो कार्बन कंपाउंड है यहाँ पर OH अंदर की तरफ होता है, यहाँ पर OH बाहर की तरफ होता है, यहाँ नीचे यहाँ पे H होता है ऊपर की तरफ। तो एक चीज हमने यहाँ देखी कि ये CH2OH, ये जो CH2OH है दोनों जगह उपस्थित है जैसा हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो इस तरह से इनकी नंबरिंग हो सकती है, हो सकता है नंबरिंग हम इस तरह से करें या फिर इस तरह से नंबरिंग करें। तो ये बात हुई फ्रक्टोज की। एक चीज और जो हमने देखी यहाँ पर वो ये थी कि यहाँ पर CH2OH जो है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में उपस्थित, ठीक है, स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट। और राइबोस जैसी शुगर यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन चेंज क्या है कि यहाँ पर सी जो है कार्बन जो है वो हमें कितने देखने को मिलेंगे, 6 सी देखने को मिलेंगे। ये हेक्सोस के प्रकार थे। तो हमने पढ़ा ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और अब हम देखेंगे हेप्टोस। ठीक है, जिसके अंदर हमें हेप्ट मतलब 7 कार्बन कंपाउंड्स देखने को मिल सकते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा सीटो हेप्टोस। और ये किस प्रकार की है ये भी हम अभी देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है, इस प्रकार की संरचना यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, सेकेंड कार्बन पर कीटोन ग्रुप उपस्थित है। ठीक है, तो ये कैसे हुए, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसमें एक चीज जो हमें देखने को मिल रही है वो देखो कि CH2OH ग्रुप दोनों जगह पे है, सेकेंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप है, ताकि OH की जो संरचना है वो इस प्रकार से सेम फ्रक्टोज जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है कि फ्रक्टोज में भी हमें यहाँ पे एच देखने को मिला था और फिर OH था। ठीक है, बस एक कार्बन गायब भी तो था 6 कंपाउंड, इस तरह की संरचना थी वहां पर डायरेक्ट अटैच था। अब यहाँ पर सिर्फ एक एडिशन हुआ है कि यहाँ पर एक कार्बन एक्स्ट्रा हुआ है और सेम संरचना हमें यहाँ देखने को मिल रही। तो फ्रक्टोज जैसी संरचना में बस एक कार्बन कंपाउंड जो है वो एक्स्ट्रा हो गया और 7 कार्बन है देखिए। ठीक है, इसलिए हम इसको सीरो हेप्टुलोज कहते हैं। तो जब भी हम मोनोसेक्राइड्स की बात करते हैं वहां हमने बात की कि एक सिंगल यूनिट वाले ग्लूकोज या यूनिट वाले शुगर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर उपस्थित रहते हैं, जिन्हें हमने विभिन्न कैटेगरीज में डिवाइड किया, अलग अलग कैटेगरीज दी कार्बन कितने थे उसके बेसिस पर, उसके आधार पर। और जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में राइबोस पेंटोज शुगर जो है जिनके अंदर 5 कार्बन उपस्थित रहते हैं वो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। जैसे अगर हम पेंटोज शुगर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें राइबोस और डीऑक्सीराइबोस ज्यादा देखने को मिलती है, जो कि हमें आरएनए में देखने को मिलेगी और डीऑक्सीराइबोस हमें डीएनए में देखने को मिलती है।
और हमारी पूरी बॉडी में हम बोलते हैं आरएनए और डीएनए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसी के बेसिस पर तो हमारे अंदर जीन्स उपस्थित है, ठीक उसी के आधार पर है। इसलिए सबसे ज्यादा पेंटोज शुगर में भी हमें राइबोज और डीऑक्सीराइबोज हमारी बॉडी में हमारे शरीर में मिले, और उसमें राइबोज से आरएनए का निर्माण होगा, डीऑक्सीराइबोज से डीएनए का फॉर्मेशन। इसी के साथ हम मान के चलते कि एनएडी जो है और एनएडीएच जो है इनका भी निर्माण हमारी बॉडी में होता रहता है, और ये भी मोस्टली पेंटोज शुगर जो है जिनके अंदर 5 कार्बन है यही शर्कराएं होती हैं, इन्हीं से इनको बनाया जाता है, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे पेंटोज शुगर जो है वो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो हमने बात की ट्रायोज की, ट्रायोज में हमारे एग्जांपल थे ग्लिसरेडियाइड एंड डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, टेट्रोज में एरिथ्रोज एंड थ्रियोज, पेंटोज में राइबोज डीऑक्सीराइबोज, हेक्सोज में ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, और वहीं हम बात करते हैं हमारे लास्ट हेप्टोज की, तो वहां हमें देखने को मिला सीडो हेप्टोज। तो ये सारी संरचना इस प्रकार से वहां पर व्यवस्थित है, और इसे हम मोनोशिट्राइड्स को ऐसे कैटेगराइज कर देते हैं।